हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेनोवो आइडिया पैड के अंदर के पार्ट्स दिखाएंगे। सबसे पहले लैपटॉप को प्रॉपरली स्विच ऑफ कर लेना, फिर इसके 8 स्क्रू से इनको हम खोल लेंगे। एक मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कीजिए। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे फिक्स है, सो जो बेस है ये बाहर की तरफ निकलेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको लैपटॉप के अंदर के पार्ट्स दिखाएंगे कि इंटरनल पार्ट्स कैसे होते हैं। कोई पार्ट आपने रिप्लेस करना तो आपको इजी रहेगा रिप्लेस होने करने के लिए। इसके जो ये 3 स्क्रूस है ये साइज़ बड़े होते हैं और जो बाकी के स्क्रूस हैं इनकी साइज़ छोटी होती है। अभी हमने ओपनर को टच पैड और बेस के बीच में डाल के इसके जो बेस है इसको अनलॉक करेंगे। देखिए, दोनों हिंज वाली साइड से हमने ऐसे कर लेना है, फिर हमने बेस को ऊपर उठा लेना है। ये देखिए, अभी धीरे से बेस को हमने ऊपर करके, ये देखिए, ये हमारा बेस निकल गया। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये बैटरी है। ये बैटरी अगर आपने परचेज़ करनी हो तो इसका पार्ट नंबर दिया होता है यहाँ पे। ये देखिए, मॉडल नेम लिखा हुआ है, ये पार्ट नंबर है। ये आपने ऑनलाइन डाल के इसकी बैटरी मंगा सकते हैं आप। ये केबल वाली बैटरी है, इसकी केबल निकलेगी। और ये हमारे पास हार्ड डिस्क की स्पेस है, ये M.2 SSD है। ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, ये प्रोसेसर है, ऊपर हीट सिंक है, और ये CPU फ़ैन है। ये सीमो सेल लगा हुआ है, ये सिंगल स्पीकर लगा हुआ है इस पर, और डिस्प्ले केबल है इसकी, और ये रैम है, ऑनबोर्ड रैम लगी हुई है इस पर। ये स्टील कवर के नीचे ऑनबोर्ड रैम है, इसमें कोई एक्सटर्नल नहीं, हम अपग्रेड कर सकते। अभी इसमें सिर्फ हम हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ये कनेक्टर लगा हुआ है हार्ड डिस्क का। इस पर सिर्फ मेमोरी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, या तो M.2 SSD है, ये हम अपग्रेड कर सकते हैं। अगर 120 है तो 240 डाल लो, या 512 डाल लो, या 1 TB डाल लो, इसकी ऑप्शन है हमारे पास। अभी हम बेस को ऐसे ही फिक्स कर देंगे। ये सिर्फ हमने एक इंटरनल आपको व्यू दिखाया हुआ है। अभी बेस को इसके ऊपर रख के इसको हमने पैक कर देना, सभी साइड से प्रेस कर देना ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो प्रॉपरली फिक्स हो जाएं। जैसे जैसे आप इसको फिक्स करेंगे इसकी साउंड सुनाई देगी आपको। अभी बेस के सभी स्क्रूज को हम टाइट कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम लैपटॉप को एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। ये देखिए, डिस्प्ले आ गया इसका। शुक्रिया।